Yes, student, today we will start our chapter 2, Socialism in Europe and Russian Revolution. It means Europe mein samajwad aur Russia mein revolution ya kranti. The French Revolution opened the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and order, and it was the aristocracy and church with controlled economic and social power. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, उसने बहुत सारे ऐसे ड्रामेटिक या नाटकीय चेंज किए हैं, समाज में परिवर्तन किए हैं. उससे कि जैसे कि आप लोग पहले भी 18th सेंचुरी में आप ये रीड आउट कर चुके हो कि जो सोसाइटी थी वो ब्रॉडली या विस्तृत रूप से स्टेट्स में डिवाइड थी, और स्टेट्स के ऑर्डर्स ही वहाँ पर रूल रेगुलेशन होते थे, और चर्च का कंट्रोल आर्थिक और सोशल पावर उन्हीं की चर्च की ही उस टाइम पर थी. सडनली आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. अचानक से ये सब रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे ऐसे संभव चेंज हुए. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controls social power began to be discussed. बहुत सारे से चेंज हुए वर्ल्ड में, और यूरोप एशिया में नए नए आइडियाज डेवलप्ड हुए और नई सोशल पावर के बारे में डिस्कस होना स्टार्ट हो गया. बट नाउ नॉट एवरीवन इन यूरोप, लेकिन हर एक यूरोप में इस तरह से चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन समाज में नहीं जाता था. जो रेस्पॉन्सेस थी, जो वैरायटी थी, ये उन सभी को एक्सेप्ट या एकदम से सडनली चेंज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे. बट विश्ड फॉर ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड टू रेस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली. सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स. लेकिन वो धीरे धीरे या स्लो चेंज चाहते थे, और इस स्ट्रक्चर या समाज के ढांचे को दोबारा से बनाना चाहते थे. उनमें से कुछ कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे. वी मस्ट अंडरस्टैंड, इन सभी को समझने के लिए हमें इनकी जो पॉलिटिकल है उसके बारे में अलग अलग जानना होगा. वी शुड नो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी. इन सब के लिए हमें इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चेंज को देखना होगा. उस टाइम पर किस तरह से क्या हिस्टोरिकल चेंज हुए, या किस तरह से रिवॉल्यूशन को कर के टाइम पर किस तरह के वहाँ का सरकमटेंसेस थी, जिसने कि 20th सेंचुरी के जो न्यू आइडियाज़ को सिग्निफिकेंट किया. नेक्स्ट टॉपिक है आपका लिबरल. मीनिंग ऑफ लिबरल, वॉन्टेड टू अ नेशन विद विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. जो लिबरल्स थे वो ऑल रिलीजन या सभी धर्मों का आदर करते थे, और उनके बारे में जो इलेक्टेड उनकी गवर्नमेंट थी या पार्लियामेंट थी, वो किसी एक सब्जेक्ट को नहीं मानती थी. वो सभी धर्म या सभी को वेल ट्रेंड करके, वहाँ की जो वेल ट्रेंड न्यायपालिका थी, रूलर उनके ऑफिशियल्स थे, वो इंडिपेंडेंट थे. दे वर नॉट डेमोक्रेट, वो कोई डेमोक्रेट नहीं थे, प्रजातांत्रिक नहीं थे. नेक्स्ट इज रेडिकल्स, वॉन्टेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड ऑन मोस्ट अ कंट्रीज पॉपुलेशन. जो रेडिकल्स थे वो नेशन में गवर्नमेंट को कंट्री पॉपुलेशन चाहते थे, और ये डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ अ फ्यू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ये लोग कंसंट्रेशन करते थे थोड़े लोगों के हाथ में प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बिलीव नहीं करते थे. कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी, दे रेसिस्टेड चेंज, ये परिवर्तन को नहीं चाहते थे. आफ्टर द रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के बाद इन्होंने जो एक्सेप्ट किया, जो पास्ट के लिंक थे उसमें धीरे धीरे स्लो चेंज हो. नेक्स्ट इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. वी मस्ट स्टडी द आइडियाज ऑफ द लिबरल्स विच लुक्ड अ चेंज सोसाइटी. हम इन आइडियाज़ को देखेंगे, जो लिबरल्स के आइडियाज थे, जो कि ये सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे. द लिबरल्स वॉन्टेड दैट द पीपल शुड नॉट बी गवर्न बाय मैन बट बाय लॉ.
जो ये लिबरल्स हैं तो ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्न की जाए मैन के द्वारा, लेकिन लॉ के द्वारा, उनके द्वारा उसको गवर्न नहीं किया जाए, लोगों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, मैन के द्वारा लेकिन लॉ कानून के द्वारा। और इसके लिए उन्होंने कुछ राइट्स बताए, जैसे रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड प्रेस, इन सब के राइट्स उन्होंने लेकर वो स्टूड हुए, खड़े हुए एट द टाइम। उस टाइम पीरियड में यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली फेवर्ड वन रिलीजन और द अदर। यूरोपली जो यूरोपियंस थे उस टाइम पर वो फेवर करते थे रिलीजन्स का, सभी धर्म का और दूसरे धर्मों का भी। और एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन फेवर करता था एंग्लिकन चर्च, ऑस्ट्रेलिया स्पेन सपोर्टेड द कैथोलिक चर्च, बट लिबरल्स वॉन्टेड दैट एवरी नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन। लेकिन ये लिबरल्स जो चाहते थे कि हर एक नेशन को, हर एक धर्म को, रिलीजन को टॉलरेट करना चाहिए। जितने भी लिबरल्स थे, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड पॉपुलरिटी सॉवरेंटी सभी सर्वोच्चता चाहते थे। इसका मतलब ये कि उन्होंने राइट टू, इट मीन्स दैट द राइट टू फ्रेंचाइज, राइट टू इलेक्शन, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इट मीन्स कि वो ये चाहते थे कि वोट देने का या फ्रेंचाइज वैसे मताधिकार चाहते थे, और इलेक्शन का राइट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का राइट वो चाहते थे। और वो लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, जो कि हर एक सिटीजन का वोट देने का राइट है। उनके अनुसार जो मैन है ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ मेनली उन्हीं को ही वोट देने का राइट है। और वो लोग ये नहीं चाहते थे कि जो ये राइट है उसको ग्रैंट किया जाए वुमेन्स या वुमेन को भी वोट देने का राइट्स मिले। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे, प्रजातांत्रिक नहीं हैं। द रेडिकल्स ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ रेडिकल्स जो थे वो सपोर्ट करते थे वुमेन्स को भी डिमांड, उनका ये डिमांड थी कि वुमेन को भी वोट देने का राइट मिले। और अनलाइक लिबरल्स, और लिबरल्स जो थे वो अपोज थे प्रिविलेजेस बिग लैंडलॉर्ड और रिच फैक्ट्री ओनर्स के। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि प्रॉपर्टीज जो हैं वो अगेंस्ट हों उनके, और यहाँ पर लेकिन वो लोग इसके अगेंस्ट थे, कंसंट्रेशन और वेल्थ एंड प्रॉपर्टी इन द हैंड ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में ही वो प्रॉपर्टी और वेल्थ को देना चाहते थे। जो कंजर्वेटिव्स थे वो आइडियाज, रेडिकल आइडियाज के अपोज थे, और लिबरल्स के भी अपोज थे, उनके विरोधी थे। और उनका ये मानना था 18th सेंचुरी में जो ओल्ड रेजिम थी एंड जो न्यू आइडियाज हैं चेंज हुए, उसके वो अपोजिट थे बाय द 19th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी में वो उन लोगों ने वहाँ पर एक्सेप्ट किया, चेंज किया, इनएविटेबल जो चेंज है उसको एक्सेप्ट वो इजीली नहीं कर पाए, उसमें से कुछ जो परिवर्तन है उसी को ही उन्होंने एक्सेप्ट किया। दे हाउ आर बिलीव्ड दैट द पास्ट शुड बी रेस्पेक्टेड एंड चेंजेस हैड टू बी ब्रॉट अबाउट ग्रेजुअली। जो ये उन्होंने बिलीव किया है रेस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनका ये मानना था धीरे धीरे जो है उसको रेस्पेक्ट उनको करना चाहिए, जो नए चेंजेस है उस परिवर्तन का धीरे धीरे उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और जो उनके आइडियाज थे, जो भी उनके आइडियाज थे, सोशल क्लैशेस जो भी थे, वो वन अना विद अनदर ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल अपीवल वॉज ब्रॉड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो उनके ये आइडियाज देते, जो सामाजिक परिवर्तन में क्लैश हो रहे थे दूसरे सामाजिक और पॉलिटिकल या राजनीतिक उतार चढ़ाव को, कि जो उनका क्लैश हो रहा था, इसी के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। द वेरियस अटैम्प्ट, और जो डिफरेंट अटैम्प्ट किए गए थे रिवॉल्यूशन के, नॉर्मल नेशनल रिफॉर्मेशन 19th सेंचुरी हेल्प इन डिफाइनिंग द लिमिट्स एज वेल एज पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने
जो उनका पोटेंशियल, जो भी ट्रेंड था, या उसको जो भी वो राजनीतिक अपनी तरीके से उसको डिफाइन किया ताकि उनकी लिमिटेशन बनी रहे।